हाय फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन की तरफ से जो एग्ज़ाम शुरू है डेटा एंट्री ऑपरेटर का सीबीटी का, तो आज से शुरू हो चुका है 27 नवंबर से। और फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग में मैंने आज एक वीडियो भी अपलोड किया था कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, उनका लैंग्वेज क्या है, मतलब हार्ड है कि मीडियम है कि बहुत ज़्यादा हल्का पूछा जा रहा है, सब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उसमें मैंने कुछ कुछ शेयर भी किए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप लोग का एग्ज़ाम आगे है, आप लोग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे किस तरह के चांस है बनने के, और वो क्वेश्चंस हम देखेंगे और साथ में उसका करेंगे प्रैक्टिकल भी, कि वो प्रैक्टिकल में देखेंगे कहाँ पर वो ऑप्शन रहता है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन मैं जो है आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के साथ में, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली होती है वो कभी आदमी भूलता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जो जो मुझे सवाल मिले हैं, जो सवाल पूछे गए हैं बेल्ट्रॉन को आज के एग्ज़ाम में, 27 नवंबर के एग्ज़ाम में, फर्स्ट सीट और सेकेंड सीट दोनों के सीटिंग में, ठीक है, तो मैंने जितना हो सका है उतना क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ और आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, और आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहे रेगुलर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए अभी तक तो, और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दिखाते हैं आपको सबसे जो पहला फ्रेंड्स क्वेश्चन जो कि आया है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन टॉपिक यही था, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने इसमें जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल मर्ज और आपका जो भी आपका इंटरनेट वगैरह है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। जो पहला जो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वर्ड के किस ऑप्शन से लाया जाता है, ठीक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है किस ऑप्शन से आता है, तो वहाँ पर जो है ऑप्शंस आपको रहेंगे, तो आपको कैसे जानना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसको बोला जाता है टैब, ठीक है, ये देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये टैब, अगर आपसे पूछेगा कि टैब में किस ऑप्शन से आता है, और यहाँ पर देखिए आपको कहाँ से आता है, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू में देखिए टैब का ऑप्शन में आइएगा, यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, और ये जो है आपका जो शॉर्टकट की है इसका F7 है, ठीक है, इसका F7 है, तो शॉर्टकट्स की भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपको जो है ऑप्शन रहेगा आपको कि कहाँ पर रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन मिल जाएगा आप, ठीक है, तो इस तरह से। और जो क्वेश्चन रहेगा आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल करके। और दूसरा है कि वर्ड में जो है फाइल सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो उसका शॉर्टकट किया हुआ है कंट्रोल एस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग बिना शॉर्टकट का, कि मेरा माउस देखिए हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे लेफ्ट में जो सबसे ऊपर में ये बटन है, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफिस बटन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग ऑफिस बटन, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि ऑफिस बटन से सेव कर सकते हैं, या यहाँ पर रहेगा सेव, सेव एज, या फिर ओपन, या फिर पब्लिश, कुछ भी रहेगा, तो कहाँ करना है, सेव पे क्लिक करना है, या अगर रहेगा ऑफिस बटन तो आपको यहाँ पर दे देना है ऑफिस बटन, ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शंस रहेंगे, उस तरह से आपको जवाब देना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है कि मेल मर्ज जो है किस ऑप्शन से आता है, मेल मर्ज किस ऑप्शन से आता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेल मर्ज किस चीज़ का पार्ट है, ये एमएस ऑफिस में आपको ये एमएस वर्ड का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए एमएस वर्ड में जो है होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, यहाँ पर आपको जो है 6 टैब है, तो इसमें क्या है आपको इंसर्ट में आपको यहाँ पर नहीं दिया गया, बल्कि आपके यहाँ पर जो मेलिंग है, ठीक है, मेलिंग मेलिंग टैब है, वहीं से आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पर यानी मेलिंग टैब से आपको स्टार्ट मर्ज शुरू कर सकते हैं, वहीं से आता है। नेक्स्ट है कि मेल मर्ज जो है वर्ड में कैसे लाया जाता है,
ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है आपके वर्ड में कैसे लाया जाता है। तो आपको वर्ड में लाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, मेलिंग के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए जो चीज़ लाना है आपको वहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ला सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका कैसा क्वेश्चन रहेगा, कैसा ऑप्शन रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है कि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। और ऐसे क्या करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पर ऑफिस बटन पे, कहाँ आते हैं ऑफिस बटन पे, और यहाँ पर क्या करते हैं न्यू करेंगे तो नया जो है डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। उसके बाद है वर्ड में जो है वर्ड आर्ट ऑप्शन कहाँ से आता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये मेरा वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पर आपको आना है इंसर्ट में, ठीक है इंसर्ट में आइएगा, यहाँ पर देखिए आपको जो है टेक्स्ट जो यहाँ पर है इसके अंदर में आता है एम एस वर्ड के अंदर वर्ड आर्ट, ठीक है इस तरह से आता है। आपको कहाँ आएगा, इंसर्ट टैब में आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए पेज है, टेबल है, इलस्ट्रेशन है, लिंक है, हेडर है, फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किसके अंदर आता है, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट या सिंबल, तो आपको टेक्स्ट के अंदर आता है। अगर टैब पूछेगा तो आपको आता है किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ यहाँ करके प्रैक्टिकल, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो हो गया मेरा छठा। नेक्स्ट है कि टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट का जो कलर चेंज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को कलर के रिगार्डिंग में बता दूं कि कलर जो है दो तरीके से होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ चेंज, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मुझे सिर्फ टेक्स्ट को कलर करना है, ठीक है टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट कलर करने के लिए हम क्या आएंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ें कलर, ठीक है, एक क्या है, एक है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी जो है हाईलाइट हो जाएगा इसका बैकग्राउंड में। तो मुझे देखिए देखिएगा यहाँ पर इसका क्या है कि जो टेक्स्ट है वो कलर नहीं हुआ, बल्कि उसके जो पीछे में है बैकग्राउंड वो पीला हो गया। तो मुझे ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है क्या कि टेक्स्ट को कलर कैसे करेंगे, तो कहाँ से करेंगे, याद रखिए ऑप्शन क्या आएगा आपको, फॉन्ट कलर, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर क्लिक किए लाल पे, तो यहाँ पर लाल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो भी क्लिक कीजिएगा आपको वहाँ पर देखिए यहाँ पर हरा हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर दोनों में अंतर है। यहाँ पूछ रहा है टेक्स्ट कलर, तो कैसे लाएंगे हम लोग, ये आपको होम टैब में आपका फॉन्ट वाला ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8 कि पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को किस ऑप्शन से देखते हैं, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को किस ऑप्शन से देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एमएस पावर पॉइंट भी ओपन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको देखिए यहाँ पर टैब है होम, इंसर्ट, डिजाइन वगैरह, तो आपको आना है कहाँ पर, व्यू में, ठीक है। व्यू में आपको यहाँ पर करना है, देखिए प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर आता है ये स्लाइड शो, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट जो शॉर्टकट की है F5, ठीक है, अगर पूछेगा कि शॉर्टकट की क्या है, तो F5 से आप स्लाइड व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि स्लाइड व्यू यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं कि इसमें व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर, ठीक है, स्लाइड शो, यहाँ से आप जाकर डायरेक्ट सारे स्लाइड को देख सकते हैं और वहाँ पर उसको स्लाइड शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेल के फॉर्मूला में स्टार्ट कहाँ से होता है। चलिए मैंने एक्सेल अभी नहीं ओपन किया तो ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल ओपन किया, अब पूछ रहा है कि एक्सेल में कोई भी जो फॉर्मूला है शुरू कहाँ से होता है। तो जो मैंने अपना ई बुक बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए ई बुक में मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बताए हैं और आगे बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इस ई बुक में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जो सिलेबस है बेल्टन को जो जारी किया गया है NIOS का, ठीक है, डेटेंटी ऑपरेटर का, उससे मैंने सारा सिलेबस कवर करके यहाँ पर कवर किया है अपने ई बुक में, इसमें जो कि मैंने 1000 यानी 1000 से अधिक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। और ये जो है बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया है फ्रेंड्स, सबसे कम दाम मैंने रखा है इस यूट्यूब पर, ओनली फॉर 39 रुपीज़, ठीक है, सिर्फ 39 रुपये में मैं आपको ये दे रहा हूँ। और इसमें मैंने सारा कुछ कवर किए हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, बेसिक प्रोग्रामिंग, शॉर्टकट्स की, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फंक्शंस की, उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर किए हैं, और जितने भी फंक्शंस की हैं अदर वो भी कवर किए हैं, जैसे कि F1 से F12 और जितने भी हैं, शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक, टैब,
क्या क्या काम है इनका, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, यानी जितने भी कीवर्ड हैं कीबोर्ड में सारे फंक्शन वगैरह मैंने यहाँ पर सारे कवर किए हैं। और इसी से फ्रेंड्स मैंने आपसे जितने आपको बताए क्वेश्चंस आपको इससे सब आपको इसमें मिल जाएगा, और जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस बुक को एक बार जरूर कीजिए परचेज, इसको देखिए मात्र 39 रुपीज़ में, 39 रुपये में। इसको फ्रेंड्स बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है, इसका लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप इसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं इंस्टामोजो पर जो लिंक है उससे, या फिर पेटीएम से, दोनों का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, इसको जरूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कर रहे थे कि जो कोई भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो पहले क्या करते हैं, इसे हम लोग करते हैं सम इक्वल टू, पहले हम क्या लगाते हैं इक्वल टू सम, ठीक है। सम देखिए यहाँ पर आ गया, यानी हम लोग कुछ भी शुरू करेंगे तो पहले क्या लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है। आपको ऑप्शन में क्या रहेगा कि इक्वल टू ब्रैकेट या कुछ भी रहेगा, तो आप क्या मारना है इक्वल टू मारना है, याद रखिएगा। क्योंकि एक्सेल में कोई फॉर्मूला शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे इक्वल टू से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेल में जो है फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इसके पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए ओपन करते हैं एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में आ गए तो एक्सेल में हम लोग कौन टैब में आएंगे, देखिए होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, ठीक है। हम लोग कहाँ आएंगे रिव्यू में आएंगे, रिव्यू टैब में आएंगे। तो कहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको चेंज जो यहाँ पर टैब यहाँ पर अंदर में है, ठीक है, आपको वहाँ पर आएगा। यह देखिए प्रोटेक्ट सीट, यहाँ पर सीट बोल रहा है, ये देखिए ये होता है सीट, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि एक्सेल जो हम वर्कबुक खोलें तो उसमें डिफॉल्ट कितना सीट रहते हैं, ठीक है, तो 3 सीट रहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको मेरे इस ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सीट को नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्या है सीट प्रोटेक्ट, यहाँ पूछ रहा है आपको पूरे फाइल को, यानी वर्कबुक को हम कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्ट इस ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक को कैसे कर सकते हैं, चेंज कॉलम से, कहाँ से, आपको रिव्यू टैब के अंदर वहीं से कर सकते हैं। उसके बाद है कि एक्सेल में मिनिमम कमांड किस काम आता है, सॉरी यहाँ पर आकर हो गया, किस काम आता है, ठीक है, किस काम आता है। तो मिनिमम जो है आपको किस काम आता है, ये आता है कि कोई भी वैल्यू को उसमें कौन सा मिनिमम है उसको फाइंड करने के लिए। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको पर्टिकुलर करके, जैसे कि 45, 65, 76, 23, 12, ठीक है, जैसे ये है। और यहाँ पर हमको इसमें से खोजना है, बहुत सारे है ऑप्शन, इसमें से कौन सा जो है वो सबसे छोटा है। इसमें क्या करेंगे इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन, और ये सब को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे और मारेंगे इंटर। देखिए यहाँ पर क्या है, जो सबसे छोटा था कौन है, सबसे छोटा 12, तो यहाँ पर 12 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो जो मिनिमम है हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शंस किस लिए, कोई भी ऑप्शंस में उसका मिनिमम वैल्यू जानने के लिए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देकर समझ आइएगा, आपको मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, आपका काउंट, ठीक है, प्रोडक्ट, इस तरह से पूछ सकता है। एक्सेल में जो है फाइल प्रोटेक्ट ऑप्शन कहाँ रहता है, ठीक है, उसी टाइप का है, कहाँ रहता है मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछ सकता है, रिव्यू ऑप्शन में रहते हैं। उसके बाद आपको है इंटरनेट से कि आईपी एड्रेस इनमें से कौन नहीं है, तो उसमें फ्रेंड्स ऑप्शन रहते हैं बहुत के। मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग में, जो कि आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा, अगर आप लोग कंप्यूटर से होंगे तो जानते होंगे, वरना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि होता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस शुरू होता है 0 से और कहाँ जाता है, जाता है आपको 255 इधर, ठीक है। आपको जो भी रहेगा आईपी एड्रेस में बता दो जैसे रहेगा आपको, वो रहेगा 4 अंक में और बीच में जो है डॉट रहेगा, कैसे, टू टू वन पॉइंट वन टू थ्री पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव, ये रहा, ठीक है, ये रहा 3 1 पॉइंट फोर फाइव पॉइंट टू पॉइंट जीरो, ठीक है, 3 2 1 पॉइंट टू फोर पॉइंट 76.10, ठीक है। इस तरह मान लीजिए फ्रेंड्स, एक और दिखा दे रहा आपको, यहाँ रहा
198.69.0.5। तो फ्रेंड्स चलिए आपसे हम पूछते हैं कि इसमें से कौन सा आपको आईपी एड्रेस इसमें से कौन नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन नहीं है। तो मैं बता दूं कि आईपी एड्रेस क्या रहेगा कि चार भाग में रहेगा। देखिए एक भाग फिर रहेगा डॉट, फिर रहेगा दो भाग, फिर डॉट, फिर तीन भाग, फिर डॉट, फिर चार भाग, यानी चार भाग में डॉट डॉट करके रहेगा, याद रखिए सबसे पहला। दूसरा है कि इसका जो वैल्यू रहेगा चारों में 0 से 255 के बीच रहेगा, ठीक है, माइनस में नहीं रहेगा और 255 के ऊपर कभी नहीं रहेगा, 256 कभी नहीं जाएगा, ठीक है, 255 के अंदर में रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 221, 123, 05 है, 31, 45, 20 है, सब उसके अंदर में है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पर देखिए 321 है, मैंने क्या बताया आपको कि जब भी रहेगा वैल्यू 255 के अंदर रहेगा और जीरो के अंदर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये आपका नहीं होगा आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन इससे रहेगा आईपी एड्रेस कौन नहीं है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि 0 से 255 के बीच में आपका रहेगा और जो है चार रहेगा, ठीक है, और इसमें जो है ए बी सी डी कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जो है आपको इसमें अंक में ही रहेगा, ठीक है। अगर कहीं मान लीजिए दे दिया ई यहाँ पर ई या ए कुछ नहीं, ये क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आईपी एड्रेस, और आप इसको कोई भी आपको क्वेश्चन में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि कौन सा जो है इंटरनेट कनेक्शन सही है, ठीक है। तो जो होता है इंटरनेट कनेक्शन उसके बारे में मैंने बताया आपको कि बहुत सारा होता है, वायरलेस होता है, वाईफाई होता है, डायल अप होता है, ठीक है। इस तरह से जो सिलेबस है उसको आप देखे होंगे, मैंने सारे वीडियो में बताया है, तो उसमें से जो है वही होता है, बाकी उसके अलावा जो ऑप्शन रहेगा तो वो नहीं होगा। बड़े फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, उससे यहाँ पर होगा यूज, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं TCP/IP, जो बोलते हैं ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। बड़े फाइल को भेजने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं TCP/IP, ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐसे करते हैं कैसे TCP/IP ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। TCP मीन्स ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इस तरह से डेट एंड टाइम किस ऑप्शन से आते हैं, इसमें कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूँ कि जो डेस्कटॉप है, ठीक है, आप डायरेक्ट वहाँ से बुला सकते हैं, कहाँ से, ये देखिए मेरा माउस सबसे नीचे में राइट साइड में, ये देखिए यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ देखिए चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, यहाँ से बुला सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको जाना है कहाँ पर, वो जाना है आपको कंट्रोल पैनल पे, और वहाँ पर कहाँ जाना है आपको, वहाँ पर जाना है आपको रीजन एंड लैंग्वेज, कहाँ रीजन एंड लैंग्वेज, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप जा सकते हैं। उसके बाद है इनपुट इनमें से कौन नहीं है, तो आपको तो पता ही है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन होता है, ठीक है, मैंने सारा कुछ बताया सिलेबस में और जो मेरा ई बुक है वहाँ भी मैंने इसको कवर किया है कि इनपुट्स कौन कौन से हैं, उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग तो आसानी से इसमें टिक मार सकते हैं कि इनपुट कौन कौन से हैं, आउटपुट कौन कौन से हैं। और फ्रेंड्स शॉर्टकट्स की और जो है आपका फंक्शंस की, इस सबसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, F1, F2, F12 वगैरह, ठीक है, जो कि मैंने स्पेशली जो है अपने ई बुक में इसको कवर किया है, देख रहे हैं F1 से F12 का सारा क्या काम है, कैसे काम करता है सारा मैंने बताया है, और जितने भी अदर फंक्शंस की सब मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शंस की पूछ रहे हैं शॉर्टकट्स की, इसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्टकट्स की यहाँ पर अलग से दिए हैं पूरा, जितना भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबसे मैंने यहाँ पर दिए हैं स्पेशल, तो इसको आप जाके जरूर पढ़िए, ई बुक को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जाके ई बुक को जरूर कीजिए परचेज, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओनली फॉर 39 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी अगर दिक्कत हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।